Hi guys, a very good morning to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, last के वीडियो में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में और हमने समझा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रिजर्वेशन क्रिएट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, और अगर वो कर भी सकती है देन वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट रिजर्वेशन. इसके लिए हमने एक रिसेंट प्लस एक लैंडमार्क केस पे रिलाई किया, दैट इज प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आज की वीडियो में गाइस हम समझेंगे, जैसे आपने कुछ टर्म्स सुनी होंगी, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग ऑफ बोथ, तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है. इंटरलॉकिंग और इंटरसेक्शन दोनों ही टर्म्स यूज में आती हैं. इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रीसेंट केस, दैट इज ऑफ 2023 सुप्रीम कोर्ट, एंड बाय रिलाइंग अपॉन द लैंडमार्क केसेस अपॉन द सेम. It is a two judges bench decision and the decision by given by Honorable Justice Shah. So it is BSNL versus Sandeep Chaudhary. पहले मैं आपको थोड़े से facts बता देती हूँ so that आप matter को appreciate कर पाएं. So guys, ये जो Sandeep Chaudhary respondent हैं इस case में, ये belong करते हैं OBC category से, जिनके favour में हम reservations को create कर सकते हैं by virtue of Article 16(4) of Indian Constitution. अब यहाँ पे जो इशू रिलेट करता है वो सिलेक्शन प्रोसेस और पोस्ट से करता है कि क्या आपका जो सिलेक्शन है वो होना चाहिए टू अ पर्टिकुलर पोस्ट. अब यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40% होते हैं ओपन कैटेगरी के लिए, दैट इज द जनरल कैटेगरी, और 33% होता है ओबीसी कैटेगरी के लिए. बट पेपर बहुत टफ आ जाता है, जैसे हमें हर टाइम लगता है कि पेपर इज वेरी टफ, तो यहाँ पे हमें कुछ क्या करना पड़ जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये रिलैक्सेशन करना पड़ जाता है बीएसएनएल को, सॉरी, कि कुछ लोग जनरल कैटेगरी से इसको क्वालिफाई कर पाए. अब क्या होता है यहाँ पर, ओबीसी के जो दो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पहले तो ओबीसी कैटेगरी में होते हैं, बट अब क्योंकि उन्होंने मेरिट क्लियर कर ली है इन टर्म्स ऑफ जनरल कैटेगरी, तो इनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. और जो रेस्पोंडेंट है यहाँ पर संदीप चौधरी, वो होते हैं वेटिंग लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में होते हैं. तो अब उनका उनका ये एलिगेशन है कि क्योंकि जो दो कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के, उन्होंने मेरिट हासिल कर ली है, इसलिए उनको कंसिडर करना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और यहाँ से सीट खाली हो जानी चाहिए और मुझे पोस्ट पे अपॉइंट कर लेना चाहिए. तो ट्रिब्यूनल एंड द हाई कोर्ट, उन्होंने डिसीजन दिया इन द फेवर ऑफ संदीप चौधरी, एंड दैट इज व्हाई द केस इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. गाइस, एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि तो ओबीसी के कैंडिडेट, और सपोज करो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं. अब क्या हुआ कि अगर दो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन दोनों से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, 4 और 5 कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो उनका कहना है कि ये जो ओबीसी कैटेगरी के दो कैंडिडेट हैं वो यहाँ चले जाएं किसमें, जनरल कैटेगरी में, और ये जो दो सीट्स हैं फॉर ओबीसी कैटेगरी ये वेकेंट हो जाएं, और जो कैंडिडेट्स हैं वेटिंग लिस्ट में ओबीसी में उनका अपॉइंटमेंट हो जाए, और ये जो दो कैंडिडेट्स हैं इनका इनको हटा दिया जाए, बिकॉज वो ओबीसी कैटेगरी से भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है. सो दिस इज द आइडिया. अब क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसा होता है, इज इट परमिटेड, क्या ऐसा होता है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो और आप मेरिट ले आते हो इन टर्म्स ऑफ जनरल कैटेगरी, तो क्या ये सीट्स वैकेंट होती हैं? तो बीएसएनएल ने कहा कि नहीं, आप ओबीसी कैटेगरी में ही रहोगे. अब आप इसको प्लीज पढ़ लेना, आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एक्सेट्रा. अब हम क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ लेते हैं सो दैट हमारा इशू क्लियर रहे जो मैंने आपके सामने अभी क्रिएट किया है. वेदर इन अ केस वेयर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, सच रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल हैव टू बी फर्स्ट एडजस्टेड इन द जनरल कैटेगरी पूल
and they shall be considered for appointment in the general category pool, or they should be considered against the vacancies which were meant for reserve category candidates. कि हम इन्हें किस पूल में रखें, किस कैटेगरी में रखें. तो आई होप आपको समझ आया होगा. अब यहाँ पे दे आर रिलाइंग अपॉन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑन द पॉइंट. रिजर्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसको आप मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, मंडल केस. और बाकी बाकी के भी केसेस हैं, विरपल सिंह चौहान का केस, आर के सबरवाल का केस, बट ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब यहाँ पर इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ द सेम क्या होता है. सो गाइज, वर्टिकल रिजर्वेशन वो होती है जो हम स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको हम बोलते हैं दीज आर द वर्टिकल रिजर्वेशन. बट जब हमें रिजर्वेशन क्रिएट करनी होती है इन नॉर्मल कैटेगरी में, जैसे फिजिकली हैंडीकेप्ड, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, या फिर सपोज करो विमेन के लिए, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड टू बी एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. क्योंकि ये इसको हम इन्हीं आर्टिकल्स में देते हैं टू डू इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. या हमें लगा कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट है, इन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, तो हम उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं, जिसके लिए प्रोविजन तो नहीं है, बट जस्ट टू डू इक्विटी वी आर टेकिंग एन अफर्मेटिव एक्शन कि इनका वेलफेयर हो सके. अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन, वॉट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन. इसको समझते हैं. अब यहाँ पे सपोज 3% ऑफ द वेकेंसीज आर रिजर्व इन फेवर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन. तो 3 हमने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्या किया, 3% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया. दिस वुड बी अ रिजर्वेशन रिलेटेबल टू क्लॉज 16(1), क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है. द पर्सन सेलेक्टेड अगेंस्ट दिस कोटा विल बी प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी. तो हम उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ही रखेंगे. बट सपोज वो फिजिकली हैंडीकैप तो है ही है, साथ ही साथ द पर्सन ही बिलोंग्स टू द एससी कैटेगरी, वो एससी कैटेगरी का स्पेशली एबल्ड पर्सन है. ही विल बी प्लेस्ड इन दैट कोटा बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट. तो अब आप कौन सी कैटेगरी में रहोगे, अब आप एससी कैटेगरी में ही रहोगे और कोई और फिजिकली चैलेंज पर्सन को कंसिडर किया जाएगा फॉर द हॉरिजॉन्टल कोटा. तो आप अपने वर्टिकल वाले में ही रहोगे. दैट इज व्हाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस दे कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन एंड दैट इज नोन टू बी एज इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन. सिमिलरली इफ ही बिलोंग्स टू ओपन कॉम्पिटिशन कैटेगरी, ही विल बी प्लेस्ड इन दैट कैटेगरी बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट. अगर सपोज करो एक पीडब्ल्यूडी वाला पर्सन वो ओपन कैटेगरी में क्लियर कर जाता है, तो हम उसको उधर एडजस्ट कर देते हैं और एक सीट वैकेंट कर देते हैं. किसके लिए? फॉर अदर फिजिकली चैलेंज पर्सन. अब even after providing these horizontal reservations, the percentage of reservation in favor of backward class of citizens remains and should remain the same. तो वो हमें same ही रखना होता है. This is how the reservation policy worked out in all the states. I hope आपको समझ आया होगा कि क्या हम consider कर रहे हैं. अब अगर suppose करो कि हमने women के लिए एक special reservation बनाया. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा कॉन्सेप्ट में, तो आप इसको प्लीज समझिए. एक हमने स्पेशल रिजर्वेशन बनाई विमेन के लिए, जिसको हम हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में ही डालते हैं पहली बात तो. बट कभी कभी क्या होता है कि हमने कहा कि ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और उसमें भी इतना परसेंट विमेन होनी चाहिए, और ऐसी कैटेगरी में हमने एक स्पेशल रिजर्वेशन बनाया विमेन के लिए. तो अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, आई एम सो सॉरी, तो यहाँ क्या प्रोसीजर होता है हमें वो देखना होगा.
पहला होता है कि हम सारे के सारे सीट्स को फिल कर दें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। गाइस आई नीड वाटर, चलो लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हम क्या करेंगे, पहले ऐसी कैटेगरी के सीट्स को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि सपोज अगर सपोज करो यहाँ पर 34 सीट्स थी ऐसी कैटेगरी के लिए और मैंने वहां बोला था कि 11 उसमें फीमेल्स होनी चाहिए एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी, तो पहले हम मैरिट बेस ले लेंगे। अब ये देखा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट क्या इस लिस्ट में 11 विमेन आती हैं। अगर तो आंसर है यस कि ठीक है 11 लड़कियां हैं ऑलरेडी विमेन हैं, तो उस केस में हमें इसको छेड़छाड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सपोज करो कि 9 आ जाती हैं, 8 आ जाती हैं, तो फिर हम उस 11 को पूरा करने के लिए और विमेन को रिजर्वेशन देंगे। कितने विमेन को, यहाँ पे इस केस में 2, इस केस में 3। अदरवाइज अगर सीट फुलफिल हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फिर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो टू दिस एक्सटेंट हॉरिजॉन्टल स्पेशल रिजर्वेशन डिफर्स फ्रॉम वर्टिकल सोशल रिजर्वेशन। The women selected on merit within the reservation quota will be counted against the horizontal reservations. I hope आपको ये भी समझ आया होगा। फिर Honorable Supreme Court ने एक recent case पे rely upon किया, सौरव यादव versus State of UP। इस केस में भी यहाँ पर यही कहा गया कि अगर ऐसा होता है कोई reserved category का person अगर मेरिट लेकर आता है और ओपन कैटेगरी के बच्चों के साथ कम्पीट कर जाता है और अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो हम यहाँ से कैटेगरी से उसको उठाकर ओपन कैटेगरी में कंसिडर कर लेंगे और जो यहाँ पे हैं वो सीट्स हो जाएंगी वैकेंट। इन सीट्स को हम क्या कर देंगे, वैकेंट कर देंगे, सो दैट इट कैन बी फुलफिल्ड बाय द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली। अगेन फिर साधना सिंह दांगी वर्सेस पिंकी असाती, इस केस पे रिलाय अपॉन किया गया 2023 के, सेम इन्होंने यहाँ पर भी यही बोला। सो आप इसको प्लीज स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नाउ अब आपको मैं सिर्फ एक लास्ट बात बताना चाहती हूँ, क्या हुआ अगर सपोज करो अगर आप यूपीएससी में, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट कार्डर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। अब इस कैटेगरी में अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का पर्सन वो अगर रिजर्व कैटेगरी में ही रहना चाहे सो दैट उनको उनकी प्रेफरेंस का कैडर मिल सके, तो दैट इज पॉसिबल। वो चूज कर सकता है कि मैं अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही रहना चाहता हूँ। सो यूपीएससी अपॉइंटमेंट्स के टर्म में यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंसेस होती हैं। लेकिन अगर आप, मैं वैसे बात करूँ कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया, अब आपको लगा होगा कि केस की हियरिंग में तो काफी समय लग जाता है। सो जो दो जनरल कैटेगरी के पर्सन जिनकी नौकरी तब से चली आ रही थी तो उनको उनके साथ तो बड़ा इनजस्टिस हो गया। तो गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 142 की पावर, आर्टिकल 142 टू टू कंप्लीट जस्टिस, इस पावर को यूज करते हुए इनके अपॉइंटमेंट को भी बरकरार रखा और बोला गया कि इनके अपॉइंटमेंट को अब कैंसिल आउट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पर्सन काफी समय से नौकरी में थे। हाउएवर जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दैट इज संदीप चौधरी, हम उनको सीनियोरिटी के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ सीनियोरिटी, हम उनका अपॉइंटमेंट उसी दिन से मानेंगे जब इन जनरल कैटेगरी के जो पर्सन है इनका क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था। सो आई होप आपको ये भी नहीं लगेगा कि इन दोनों विचारों के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई। सो आई होप आई वॉज एबल टू make you understand the entire concept of reservation with respect to vertical, horizontal, etc. Thank you so much. And guys, please share the channel with your friends. So, promotions थोड़े से require होते हैं जब आप new start करते हो. Thank you so much. Bye.